शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला कल बरोज़ एतवार 21 अक्टूबर को मरकजी मिलाद जुलूस का अहतमाम किया जा रहा है। तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की जाती है, ख्वाहिश की जाती है कि वो इस मरकजी जुलूस में शिरकत करें। अभी अभी DCP साउथ जोन से मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंतजाम के बारे में डिस्कशन हुआ। खुसूसन जो है जो ट्रैफिक के जो जंक्शन और चौक पॉइंट्स हैं उस पर हमने तफसीली उनको बताया कि कहां कहां पर जुलूस में प्रॉब्लम्स आते हैं, उन्होंने उसको सॉल्व करने का तयखुन दिया। सबको आजाद। कल मिलाद जुलूस के सिलसिले में जो रैली निकल रहे, 15 रबी अव्वल के दिन रैली निकल रहे जिसमें मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी एक बड़े पैमाने पर रैली निकालने के लिए परमिशन लिया। ये रैली मक्का मस्जिद से स्टार्ट होते हुए गुलजार हाउस, मदीना चौराहा, मदीना से फिर चत्ता बाजार से होते हुए येल्लो गेट के बाद इतवार चौक और मुगल उल्टा होटल, उसके बाद उल्टा का जंक्शन और उसके बाद जो मुगलपुरा पे एंड होते। तो इस रैली के लिए सभी डिफरेंट और ने इस मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी में तकरीबन 50 अलग अलग दरगाहें कानका वाले सभी लोग इसमें शामिल है। तो उनका मुरीद और उनका फॉलोअर्स है जो रैली में पार्टिसिपेट करने के आ सकते हैं, तो उनके लिए हम लोग बंदोबस्त अरेंजमेंट्स की गई एंटायर सिटी में। खासतौर के हमारा कोतवाल साहब सब स्पेशल इंटरेस्ट रह के ये सबको ब्रीफिंग भी किया गया कैसे जुलूस को वो बंदोबस्त किया जाए। उसके लिए तकरीबन साउथ जोन पे अभी तक 5 प्लाटून TSSP का और 9 प्लाटून AR का, साथ साथ अलग अलग जिलों के जो फोर्स है 60-70 कॉन्स्टेबल्स और बाकी ऑफिसर और इंस्पेक्टर्स SIs भी दिया गया और बाकी सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पे कल बंदोबस्त करें मौजूद रहेंगे ताकि ये बंदोबस्त जो है पीसफुल रहने के लिए सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।